महाशिवरात्रि के अवसर पर हालसीगंज स्थित श्री श्री सिद्धपीठ शीतला माता मंदिर हिंदी बाजार समिति के नेतृत्व में मंगलवार को भगवान शिव की बारात धूमधाम से निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए तथा गाजे बाजे और मनोहर झांकियों के बीच शिव बारात की शोभा यात्रा शीतला माता मंदिर से निकलकर मदरसा चौराहा, लाल डिग्गी, साहबगंज, चौरैया गोला, बख्शीपुर, रेती चौक, घंटाघर होते हुए फिर शीतला माता मंदिर पहुंची, जहाँ शिव विवाह सम्पन्न कराया गया। शीतला माता मंदिर समिति के महामंत्री पुरुषोत्तम दास सर्राफ उर्फ राजा बाबू ने बताया कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव की माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में विवाह हम मनाते हैं। उन्होंने कहा कि हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शीतला माता मंदिर समिति के महामंत्री पुरुषोत्तम दास सर्राफ उर्फ राजा भैया एवं महिला समिति के अध्यक्ष नूतन गुप्ता ने कहा, शीतला मंदिर की अध्यक्ष नूतन गुप्ता, महिला समिति की अध्यक्ष। शिवरात्रि का महा बहुत बड़ा पर्व है, ये भोलेनाथ शिव जी का, पार्वती माता का मनाया जाता है। ये बहुत अच्छा दिन है, ये हम लोग का बहुत शुभ का दिन होता है। इसमें औरतें बहुत अच्छे से इसमें सज धज के रहती हैं, बहुत अच्छे से मनाया जाता है इसी दिन। राजा सर्राफ, महामंत्री शीतला माता मंदिर समिति। आज शिवरात्रि के मौन पर्व पर भगवान शिव की बारात श्री श्री शीतला माता मंदिर प्रांगण से उठता है। यह कार्यक्रम लगभग 11 साल से लगातार उठ रहा है और ये यहाँ से उठ करके मदरसा चौराहा, लाल डिग्गी, साहेबगंज, खूनीपुर, इस्माइलपुर, बख्शीपुर, नखास चौक, रेती चौक, घंटाघर देते हुए पुनः मंदिर पर आती है। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होता है। इसके बाद हम लोग विवाह के उपरांत भगवान शिव और माता पार्वती को डोली के साथ डोली में विदाई कर करके हम लोग यहाँ से उठा करके भगवान की शोभा यात्रा बारात राम जानकी मंदिर बसंतपुर तक ले जाते हैं। हम वहीं पर भगवान की विधिवत वहाँ पर जो वापसी में दुल्हन की कार्यक्रम होता है वहाँ पर कराते हैं और उसके बाद हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। यहाँ पर भंडारे का कार्यक्रम यानी बहुभोज का कार्यक्रम हम लोग मनाते हैं। ये शिवरात्रि है जी, शिवरात्रि क्या महत्व होता है? शिवरात्रि का मतलब आज ही के दिन भगवान शिव की शादी हुई, विवाह हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। और इसके बारे में बच्चों को जो इसके बारे में नहीं जानते हम लोग जानकारी देते हैं कि हमारा हिंदू समाज त्यौहार क्यों मनाता है। हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं, हमारे संस्था का, हमें महिला समिति का, हमारे शीतला माता मंदिर समिति का यही उद्देश्य है कि हम लोग बच्चों को धर्म के प्रति जागरूक करें।